Hello everyone, I'm Renu Singh and I'm delighted to welcome you back to my channel. So, आज की टॉपिक है ट्रेडिशनल लुक. हरियाली तीज बीत गई बट हरतालिका तीज आने वाली है, करवा चौथ, दुर्गा पूजा, सो सारी फेस्टिवल्स तो लाइन में लगी हुई हैं. तो चलिए मिलकर एक अच्छी सी ट्रेडिशनल लुक रेडी करते हैं. मैंने माँ की साड़ी पहनी है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो स्टार्ट करूँगी आई मेकअप से. आई मेकअप के लिए आई पीस. कंसीलर को अपने आईलेट पे लगाएं, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, पाउडर से सेट करें. अगर आई शेडो कंसीलर के बाद डायरेक्टली अप्लाई की जाए तो फिनिश अच्छी नहीं आती है. अब इस कलर को आई क्रीज पे अप्लाई करें, देन ब्लेंड इट सीमलेसली विद अ ब्लेंडिंग ब्रश. Now apply this shade to the eyelid and blend again with the same brush for a smooth transition. Then kajal apply karein. Then smudge it out with a pencil brush. अ ब्लैक आई शेडो फॉर आई लाइनर इफेक्ट. तो अभी मैं सिर्फ एक ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. यू कैन ब्लेंड इट विथ योर हैंड ऑल्सो. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन स्किन प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं. फॉर कलर करेक्शन मैंने एक टैन शेड यूज़ की है कंसीलर की, जो कि आप देख रहे हो मेरी स्किन से कितनी मैच हो गई है. अभी मैं ये लैक्मे एब्सोल्यूट की फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ. आई लव इट्स फ्रेग्रेंस. ये मोस्ट टेक्सचर फाउंडेशन है एंड इट्स बेस्ट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन. And if you are looking for full coverage, ये best है. Now blend with a damp beauty blender. Look at the coverage. Wow. एंड ये बहुत लाइट वेट है, तो आप रेगुलर डेज के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो. हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर अंडर आइज पे अप्लाई करें, फोरहेड, चिन, अपर लिप, नोज. फेस्टिवल्स में दुर्गा पूजा हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास रहे. पूरी फैमिली के साथ हम मेला जाया करते थे, बट अब नहीं. सॉफ्टली ब्लेंडिंग करनी है, ज़्यादा प्रेस करके इसे दबा दबा के बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी है. इसे ब्यूटी ब्लेंडर के मार्क पड़ जाएंगे इस पर. ज़्यादा प्रेस करके अप्लाई नहीं करनी, बिल्कुल लाइटली ब्लेंड करनी है. ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी. देन अप्लाई अगेन सेम कलर टू द बॉटम लैश लाइन. व्हाइट काजल, नाउ आई एम यूजिंग दिस ग्लिटर. बॉटम लैशेज पे भी मस्कारा अप्लाई करें.
अभी जिनको लगता है कि बॉटम लैश लाइन पे मस्कारा लगाओ मत लगाओ कोई डिफरेंस नहीं आती है, तो बहुत डिफरेंस आती है। सी, आँखें ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। हियर आई एम यूजिंग पाउडर कंटूर फ्रॉम दिस पैलेट, एंड इफ यू डोंट लाइक कंटूर तो आप इसको स्कीप भी कर सकते हो, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये फेस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देती है। कंटूरिंग कंप्लीट, ब्लश टाइम। डायरेक्टली कभी भी अप्लाई ना करें, ऑलवेज बेस्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो बिल्कुल बात करते करते अच्छे से अपनी कहानियाँ सुनाते सुनाते बनाऊँ, बट पता नहीं कैमरा स्टार्ट करते मुझे क्या हो जाता है, मतलब मातम सी छा जाती है मेरे चेहरे पे। मुझे भी लगता है कि बाकी लोग जैसे बातें करते करते अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते बातें करते करते वीडियोज़ बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही बातें करूँ। जैसे कैमरा स्टार्ट करती हूँ सारी चीज़ें गायब। मैं चिन पे भी ब्लश अप्लाई करती हूँ, मुझे चिन पे ब्लश लगाना बहुत पसंद है। पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। नोज़ टिप पे ब्राउन लिप पेंसिल, ज़्यादा ओवर लाइनिंग नहीं करनी है। मैं ये ब्लू हेवन की लिप कलर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी लिप कलर यूज़ कर सकते हैं। सो ही इज़ माई फाइनल लुक। If you like the video, please like and subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye.